अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज से हम आपका जो चैप्टर एक पेंडिंग रह गया था मेजरमेंट्स, तो उसको हम आज ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम है मेजरमेंट्स। अब हमें इस चैप्टर में पहला इसका हम इंट्रोडक्शन देंगे। मेजरमेंट्स में आपको क्या देखना है, सपोज हम लेंगे एक रॉड, इस रॉड की क्या है लेंथ है, आपको पूछा जाएगा कि बताओ इसकी लेंथ क्या है। कोई इंसान बोलेगा कि इस रॉड की लेंथ है 1 मीटर, कोई इंसान बोलेगा कि इस रॉड की लेंथ है 100 सेंटीमीटर, कोई इंसान बोलेगा कि इस रॉड की जो लेंथ है वो है 1000 मिलीमीटर, ठीक है। अगर कोई इंसान बोलेगा कि इस रॉड की लेंथ है 1, तो वो गलत है। अगर कोई इंसान बोलेगा कि इस रॉड की लेंथ है मीटर, वो भी गलत है। अगर कोई इंसान बोलेगा इसका जो लेंथ है सेंटीमीटर है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। एक लेंथ को मेजर करने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, एक तो हमें चाहिए नंबर, दूसरा हमें चाहिए यूनिट। यानी कहने का मतलब है कि अगर इसकी लेंथ की हम बात करेंगे, या तो कोई इंसान बोलेगा कि इसकी लेंथ क्या है 1 मीटर, यहां पे 2 चीजें हैं, यहां पे 1 भी है, 1 इज योअर नंबर एंड 2nd इज योअर यूनिट। फर्स्ट वन इज योअर नंबर एंड सेकंड इज यूनिट, ठीक है ना। तो हमें इस चैप्टर में क्या एक्चुअली पढ़ना है, हमें इस चैप्टर में देखना है कि जो आपके अब यूनिट्स आ गई, किसी इंसान ने कहा इसका जो लेंथ है वो है 1 मीटर, किसी इंसान ने कहा इसका जो लेंथ है वो है 100 सेंटीमीटर, किसी इंसान ने कहा कि इसका जो लेंथ है वो है 1000 मिलीमीटर। इसका मतलब है कि यहां से पता चलता है कि आपका जो 1 मीटर होगा वो होगा 100 सेंटीमीटर के बराबर, ऐसे ही जो आपका 100 सेंटीमीटर होगा वो होगा 1000 मिलीमीटर के बराबर। आपको अब यही चीजें देखनी है कि मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर के दरमियान क्या यहां पे रिलेशनशिप है। इस लेक्चर में जो आपका ये चैप्टर है मेजरमेंट्स में, इस चैप्टर में आपको यही चीजें देखनी है कि मीटर और सेंटीमीटर के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ऐसी मीटर और मिलीमीटर के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। ये तो बात हुई लेंथ की। ऐसे अगर हम बात करेंगे वेट की, सपोज आप जाते हो एक दुकानदार के पास, ठीक है ना, तो वो दुकानदार आप लाते हो वहां से ओनियन, तो उस ओनियन का कुछ होता है मास, वजन होता है, ठीक है ना, वेट होता है उसका। तो आपका दुकानदार या तो वो कहेगा कि जो आपका ओनियन है ये है 1 ग्राम, या आपका जो दुकानदार है वो कहेगा जो ये ओनियन है ये 1 किलोग्राम है, ये है 1 किलोग्राम, ठीक है ना। तो आपको वहां पे भी देखना होगा कि इसका मतलब है कि जो आपका वेट है, वेट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 चीजों में, एक तो ग्राम में, दूसरा तो आपका क्या है किलोग्राम में। तो वेट आपका जो है इसको हम मेजर कर सकते हैं 2 यूनिट्स में, एक तो आपका यहां से ग्राम है, दूसरा आपका क्या है किलोग्राम है। इस यहां पे भी आपको देखना होगा कि जो आपका ग्राम और किलोग्राम है इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, यानी कि 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर है, ऐसे ही 1 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर है, ठीक है ना। वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। लाइकवाइज अगर हम कैपेसिटी की बात करेंगे, सपोज आप बाजार से लाते हो एक बोतल पेप्सी बोतल, ठीक है ना, उसमें जो आपका वाटर जो उसमें पेप्सी होती है, या तो वो होती है मिलीलीटर्स में, या तो वो होती है लीटर्स में, या तो वो मिलीलीटर्स में होती है, या तो वो होती है क्या लीटर्स में। तो कहने का मतलब है जो कैपेसिटी होती है एक लिक्विड की, उसको हम मेजर करते हैं या तो मिलीलीटर में करते हैं, या तो हम उसको मेजर करते हैं लीटर्स में मेजर करते हैं। इसका मतलब है कि जो आपका ये मिलीलीटर और लीटर है इनके दरमियान क्या है रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप यानी कि लीटर 1 लीटर कितने मिलीलीटर के बराबर है, ऐसे ही 1 मिलीलीटर कितने लीटर के बराबर है, वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, लीटर और मिलीलीटर के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, 1 लीटर कितने मिलीलीटर के बराबर है, लाइकवाइज 1 मिलीलीटर कितने लीटर के बराबर है, ठीक है ना। तो ये चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। इस चैप्टर का जो मकसद है वो है कि हमें देखना है
है कन्वर्जेंस, ठीक है ना। यानी कि हम पहले देखेंगे मीटर सेंटीमीटर और मिलीमीटर के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। लाइकवाइज हम देखेंगे मिलीलीटर और लीटर के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। लाइकवाइज हम देखेंगे ग्राम और किलोग्राम के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। तो जब आप देखोगे रिलेशनशिप आपको दोनों तरीके से देखना होगा, यानी कि एक ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर है, लाइकवाइज आपको देखना होगा उल्टा एक किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर है, ठीक है ना। जो भी आप चीजें यहां से लोगे दो दो करके, तो आप देखोगे जो रिलेशनशिप आपकी होगी दोनों तरफ से, यहां से भी और यहां से भी होगी, ठीक है ना। तो हम जो स्टार्ट करेंगे, हम करेंगे स्टार्ट वहां से। पहले हम देखेंगे मीटर और सेंटीमीटर के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। मीटर एंड सेंटीमीटर, अब पहली जो आपकी रिलेशनशिप है वो है मीटर और सेंटीमीटर के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। तो हम यहां से रिलेशनशिप है ये, एक मीटर होता है बराबर 100 सेंटीमीटर, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीटर एंड सेंटीमीटर। मीटर और सेंटीमीटर के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, एक मीटर होता है बराबर 100 सेंटीमीटर के बराबर। लेकिन आपको या तो यही वाली रिलेशन रखनी है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको यहां से पूछा जाएगा कि एक सेंटीमीटर कितने मीटर्स के बराबर है, ठीक है ना, तो हम किस तरीके से करेंगे। अब देखो, अगर आपको एक सेंटीमीटर दिखाना है कितने मीटर्स के बराबर है, पहले हम इस वाले साइड को लाएंगे, यहां से इस वाले साइड को ट्रांसफर करेंगे, वहां से हम लिखेंगे इस तरीके से, दिस इंप्लाइज 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है ना। इस साइड को मैंने यहां पे लाया, इस साइड को मैंने वहां पे लाया, दिस इंप्लाइज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। अब 100 जो आपका यहां पे मल्टीप्लाई था, जब वो वहां पे चला जाएगा वो होता है डिवाइड, ठीक है यहां तक। तो इसका मतलब है कि एक सेंटीमीटर जो है वो आपका आ गया 1/100 मीटर के बराबर। जो आपका एक सेंटीमीटर है वो आ गया 1/100 मीटर के बराबर आ गया, ठीक है ना यहां तक। लेकिन जब भी आपको आप रिलेशनशिप ढूंढनी होगी मीटर और सेंटीमीटर के दरमियान, आप जो रिलेशन याद रखोगे वो आपकी यही वाली होगी, एक मीटर होता है बराबर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, एक मीटर होता है बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहीं से आपको अगर आपको एक्सप्रेस करना होगा सेंटीमीटर को इन टर्म्स ऑफ मीटर, आप इस तरीके से करोगे, ठीक है ना, जैसे मैंने यहां पे दिखाया। तो इस तरीके से हम ढूंढते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मीटर एंड सेंटीमीटर। तो आज के लिए हम यहां तक ही रखेंगे, जो आपका नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम टाइप्स की स्टार्ट करेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। जैसे पहले केस में हम पढ़ेंगे मीटर सेंटीमीटर और मिलीमीटर, उनके दरमियान रिलेशनशिप। दूसरा जो आपका लेक्चर होगा वहां से हम देखेंगे किलोग्राम और ग्राम के दरमियान रिलेशनशिप। और तीसरा जो होगा वहां पे हम देखेंगे लीटर और मिलीलीटर के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ठीक है ना यहां तक। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, तो आज के लिए काफी है, ओके।